बच्चों, मैं रेणु मिश्रा, आपकी कक्षा पाँचवीं की हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक की परिभाषा, उसके उदाहरण एवं उसके भेद पर चर्चा करेंगे। आइए पहले इस तरीके से जानें कि कारक क्या होता है। बच्चों, जिस प्रकार गीत, नृत्य, संवाद यानी कि डायलॉग अलग अलग करके देखें तथा सुनें, तो शायद ये सब अपने आप में बहुत अच्छे होते हुए भी उतना आपको आनंद ना दे पाए, यानी वो उतना आपको अच्छे नहीं लगेंगे। जितना आनंद ये तब दे सकते हैं जब इन सबको कहानी की एक कड़ी में बांध दिया जाए। इससे एक पूरी फिल्म बन जाती है जिसे देखने में आनंद आता है। उसी प्रकार संज्ञा क्रिया शब्द अलग अलग बोलने पर सार्थक यानी कि सही तो अवश्य लगते हैं, पर वे कोई सूचना अथवा तत्व प्रकट नहीं कर पाते। इन्हीं शब्दों को यानी कि जो क्रिया और संज्ञा शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, जो माध्यम होता है, उस माध्यम को कारक कहते हैं। इससे वाक का सुंदर निर्माण होता है। आइए देखते हैं कारक का अर्थ क्या होता है। किसी कार्य को करने वाला, अर्थात जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वो कारक कहलाता है। बच्चों, अगर दूसरे शब्दों में देखें तो संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं अथवा जो परसर्ग होते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से और अगर इसको देखा जाए तो व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। बच्चों, संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ कई प्रकार से संबंध होता है। इस आधार पर कारक के अनेक भेद हैं। हमारे जो कुछ विद्वान हैं वे कारक के 6 भेद मानते हैं, यानी कि 6 पार्ट्स मानते हैं, और जो कुछ विद्वान हैं वो 8 भेद मानते हैं, यानी कि 8 पार्ट्स मानते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम कारक के 8 भेदों पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि वे 8 कारक कौन से हैं। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। बच्चों, अब आइए इसके विभक्ति चिन्ह और इसकी परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहले जो कारक करता है उसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है ने, जैसे राधा ने सितार बजाया, मोहन ने यात्रा की। अब इसकी आइए परिभाषा देखते हैं कि कर्ता कारक क्या होता है। जिस रूप से क्रिया यानी कि कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो ने होता है, ये वाक्यों को ने से जोड़ता है। इसी श्रृंखला में जो हमारा दूसरा कारक है वो है कर्म कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह है को, जैसे अध्यापिका छात्राओं को बुलाती है या सरिता ने गाय को घास खिलाई। आइए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है, यानी कर्म के बिना कोई भी क्रिया अधूरी रहती है। तो वाक्य में कर्म शब्द का वह रूप है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, और इस कर्म कारक का परसर होता है को, जैसे मोहन ने सांप को मारा। पहले वाक्य में मारने का क्रिया का फल सांप पर पड़ा है, अतः सांप कर्म कारक है। इसके साथ प
परसर्ग यानी कि जो हमारा कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है उसको को लगा दिया गया है। नेक्स्ट है करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ। जैसे दादाजी बस से दिल्ली गए, मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। अब इसका अगर हम परिभाषा देखें तो करण का अर्थ है साधन, यानी कि संज्ञा आदि शब्दों का जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा, के साथ होता है। अगर इसका और हम उदाहरण देखें तो जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, वाक् में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य किससे किया? बाण से। तो बाण यहाँ क्या है? से करण कारक है। इसके बाद हमारा चौथा कारक है संप्रदान कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह है को, के लिए और हेतु। जैसे पेट के लिए उसने झूठ बोला, या पिताजी मेरे लिए पुस्तक लाए। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है को, के लिए, हेतु, मेरे लिए, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। इसका और एक उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। फिर हमारा नेक्स्ट कारक है अपादान कारक। अपादान कारक जिसका विभक्ति चिन्ह होता है से अलग होने के भाव में होता है। जैसे चाची कुएं से पानी निकालती है। अब इसकी परिभाषा देखिए, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाए वो अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है जो कि अलग होने के भाव में होता है, यानी जब कोई चीज़ अलग होती है किसी वस्तु से तो उसको हम अपादान कारक बोलते हैं। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, या अगर हम देखें कि शिवम बस्ते से किताब निकालता है आदि। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। इसका जो विभक्ति चिन्ह है बच्चों वो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे दिनेश के पिताजी आ रहे हैं। इसका परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी होता है। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, या यह कमला की गाय है। ये हमारा संबंध कारक उदाहरण है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। इसका जो विभक्ति चिन्ह है में, पर, के ऊपर, के बीच। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, या गीदड़ वन में रहता है, ये इसका उदाहरण है। इसकी परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित हो
व्याकरण में वह स्थान या समय संबंधी आधार अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे भौरा फूलों पर मडरा रहा है, कमरे में टीवी रखा है। इन दोनों वाक्यों में फूलों पर और कमरे में अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है हमारा संबोधन कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, रे, ओ, अरी। जैसे बच्चों खूब पढ़ो, या हे भगवान मुझे बचाओ, या शिवम सदा ध्यान से पढ़ते रहना। इसका परिभाषा है जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन का चिन्ह एक डंडी खींच के नीचे बिंदी लगाया जाता है। मतलब जब किसी संज्ञा को संबोधित करने या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है और इसका परसर अरे हे जी होता है। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ। इन वाक्यों में अरे भैया और हे गोपाल संबोधन कारक चिन्ह है। बच्चों कारक से संबंधित यहाँ मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिए हैं। इन सारे गृह कार्यों को जो कि आपको पहले के भी वीडियो में दिए जा चुके हैं और इस वीडियो में भी ये जो आपको गृह कार्य दिया जा रहा है उन सारे गृह कार्यों को आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, पढ़ना है। सारी कारक की जो मैंने अभी बताया उसकी परिभाषा उसके भेद को आपको अच्छे से वाचन करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। क्योंकि ये जो मैं गृह कार्य देती हूँ वीडियो के अंत में जितना भी आपका गृह कार्य होता है वो सभी आपके परीक्षा के दौरान पूछे जाएंगे। इसलिए हर एक वीडियो को ध्यान से वाचन करिए, उसके गृह कार्य को समझिए और अपनी नोटबुक में करिए। धन्यवाद।